अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी और आज हाजिर हूँ एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जैसा कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी स्कूटीज़ के वाले से, स्पेशली फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, तो उसके लिए आपके लिए कंप्लीट काफ़ी बड़ी रेंज लेके आए हैं, जिसके अंदर आपने अभी हमारी वीडियोज़ देखी हूँ। इसमें हम ईवी में भी लेके आए हैं स्कूटीज़ वगैरह, और इसके अलावा दूसरी हमारे पास जो है इंजन में जो है पावरफुल है वो भी हमारे पास स्कूटीज़ मौजूद है। आज भी जो जिस हम स्कूटीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं, ये 1-5 CC फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इस टाइम हमारे पास स्कूटीज़ मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल स्कूटी है, और ये मॉडल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और हमारे जो व्यूवर्स देखने वाले उन्होंने देखा भी हो, ये मॉडल जो हमारे पहले भी इंपोर्ट किया था डिज़ायर के नाम से, दोबारा से हमारे पास आया नया मॉडल है। कुछ इसमें कलर स्कीम भी चेंज हुई है, कुछ नए फीचर्स भी हैं, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है कम्प्लीटली आपसे डिस्कस करेंगे, और वीडियो के एंड में इसकी प्राइस भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ जो वेरी स्पेशल ऑफर होती है न्यू पार्क ट्रेडिंग की, तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो जितने भी देखने वाले व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इस तरह के ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव रिव्यूज़ हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें। जल्दी से बढ़ते हैं रिव्यू की जानिब और आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं, और उसके बाद इसकी प्राइस डिस्कस करते हैं। तो जी व्यूअर, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट टायर साइज से और इसकी ब्रेकिंग सिस्टम से। तो फ्रंट के ऊपर जो हमें टायर साइज़ मिल जाता है, थोड़ा क्लोजअप करके भी आपको चेक करवा देता हूँ, 3/50/10 का जो है इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर हमें ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, और इसके साथ ही जो है हमें सिंगल डिस्क मिल जाती है, ड्यूल पिस्टन कैलिबर ब्रेकिंग सिस्टम जो है फ्रंट के ऊपर, डिस्क ब्रेक है, और जो रियर के ऊपर हमें ड्रम ब्रेक मिल जाती है, वो भी आपको जो है रियर व्हील भी आपको चेक करवा देंगे, उसकी ब्रेकिंग भी आपको दिखाएंगे, और जो फ्रंट जो इसके शॉक्स हैं काफ़ी ज़बरदस्त पावरफुल शॉक हैं, जैसे कि ये मॉडल 2022 का है और काफ़ी ज़बरदस्त नए फीचर्स के साथ भी है और नई कलर स्कीम के साथ भी है। इसमें इस टाइम जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है उसमें पल वाइट कलर है हमारे पास और दूसरा रेड कलर में हमारे पास मौजूद है। इसकी फ्रंट जो आप देखें, लुक वगैरह देखें, तो सेम उसी तरह की हैं जैसे कि यूनाइटेड स्कूटी की आती है, लेकिन ये इसमें कंपेरिजन में देखें तो ये जो हमारे पास इस टाइम मॉडल मौजूद है लेटेस्ट 2022 का है, और इसके साथ ही जो इसके साथ मेनली जो इसकी इंजन पावर है वो 1-5 है और काफ़ी ज़बरदस्त कलर स्कीम में। जो यूनाइटेड में हमारे पास स्कूटीज़ आती है वो सिंगल कलर्स में, तो ये हमारे पास सिस्टम दो कलर्स में आई है, मज़ीद भी इंशाल्लाह इसमें मज़ीद कलर भी एड्स होंगे, तो वो भी इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं इसकी ऊपर फ्रंट लुक की जानिब, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके टॉप के ऊपर जो है वो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, और जैसे ही आप इसके इंडिकेटर्स ऑन करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके जो है इंडिकेटर्स आपको दूर से ग्लो करते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी अच्छी इंडिकेशन दूर से ही मिल जाती है, काफ़ी अच्छी लुक में बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाए तो फ्रंट के ऊपर जिसकी ये काफ़ी ज़बरदस्त लाइट है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है पार्किंग हमें एक मिल जाती है LED वाइट कलर में, और जो फुल बीम है वो इसकी जो है वो हेलोजिन मतलब है, हाई एंड लो बी पॉइंट के साथ आता है, जिसमें हाई भी मिलती बीम मिलती है और हमें लो बीम भी मिल जाती है। बाकी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, अगर आप चेंज करना चाहें तो SMD भी इसके अंदर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के अंदर सेम हेलोजिन बल्ब लगे हुए हैं, और कलर स्कीम भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अभी बढ़ते हैं इसके मीटर डिस्प्ले की जानिब, और ग्रिप्स भी आपको चेक करें, जो इसकी राइट पे कंट्रोलिंग ग्रिप्स है उसमें हमें पार्किंग की ऑप्शन मिल जाती है सेंटर में, उसके बाद लाइट ऑन की ऑप्शन मिल जाती है, और नीचे जो हमें सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन मिल जाती है। ऑटोमेटिक मोस्टली जितने भी स्कूटीज़ आती हैं उसके अंदर राइट एंड लेफ्ट साइड की जो ब्रेक होती है उसके अंदर हमें मिल जाता है इसका कंट्रोलर स्विच, और जब तक आप इसकी ब्रेक प्रेस नहीं करेंगे ये स्कूटी जो है रेडी टू स्टार्ट नहीं होती, तो इसके लिए आपको राइट या लेफ्ट साइड की ब्रेक प्रेस करनी पड़ती है। तो इसके अभी आपको डेमो चेक करवाते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें ब्रेक प्रेस करनी होगी इसकी राइट या लेफ्ट साइड की, उसके बाद इसको सेल्फ स्टार्ट करेंगे। ये जैसा कि ब्रेक प्रेस करके इसका नीचे जो है वो हमने सेल्फ स्टार्टर का बटन प्रेस किया है, तो ये अब रेडी टू गो है, और जस्ट इसमें आपने किसी किस्म का गियर नहीं लगाना, किसी किस्म का इसमें क्लच सिस्टम नहीं है, फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। जैसे आप एक्सीलेटर देंगे तो ये रेडी टू गो हो जाएगी, और बहुत ही ईजी ड्राइव है इसकी, जो चलाना इसको काफ़ी ईजी है। अब इसके बाद बढ़ते हैं इसके मीटर डिस्प्ले की जानिब, और मीटर पर आपको चेक करवाते हैं इसका, जैसे ही आप इसका ऑन करेंगे पार्किंग, तो इसकी जो मीटर के ऊपर लाइट्स भी है वो ऑन हो जाएंगी डे टाइम में, तो आपको इजीली नज़र आ जाएगा, बाकी पार्किंग ऑन करना चाहें तो इवनिंग में आप ऑन करेंगे तो इसकी मीटर की SMD जो होती लाइट्स वो ऑन हो जाएंगी,
और इसका जो मीटर डिस्प्ले है इसमें अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो इसके ऊपर मेंशन है इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 120 तक है, लेकिन जो है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड 100 तक जाती है, क्योंकि इसमें दो वेरिएंट आते हैं, बल्कि तीन वेरिएंट आते हैं जिसमें 100 cc, 125 cc और 150 cc आता है। इस टाइम जो आपको वेरियंट दिखाया जा रहा है 125 cc है, और इसके यहाँ पर हमें जो है फ्यूल इंडिकेशन की भी ऑप्शन मीटर डिस्प्ले में मिल जाती है, तो यहाँ से भी आपको पता चलता है। वैसे जिसका फ्यूल टैंक है 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिसके अंदर मैक्सिमम स्टोरेज 5.5 तक होती है, और जैसे ये रिजर्व पे जाता है तो नीचे इसकी जो आपको फ्यूल इंडिकेशन की नीडल है वो रेड के ऊपर इंडिकेट करती हुई नज़र आती है। इसके बाद लेफ़्ट साइड की ग्रिप्स की बात करें तो यहाँ पे हमें लाइट हाई लो बीम के ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद नीचे इंडिकेटर का, और सबसे लास्ट में हमें हॉर्न की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे फ्रंट के ऊपर इसका ज़बरदस्त स्टोरेज बॉक्स मौजूद है, और इसके अंदर आप कोई भी सामान वगैरह लगेज वगैरह इसके अंदर रख सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए आप चाबी की मदद से इसको ओपन करेंगे, राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो ये आपका अनलॉक हो जाएगा, और यहाँ पे आप कोई भी सामान वगैरह लगेज रखना चाहे तो वो इसके अंदर छोटा मोटा सामान डॉक्यूमेंट चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं। ये इसका बॉक्स है और ये इसकी स्पेस है राइट एंड लेफ्ट साइड पर। अभी बढ़ते हैं इसके बैक सीट की जाने, जहाँ पे इसका जो है फ्यूल का हमें मिल जाता है सिस्टम भी, उसके साथ स्टोरेज की भी स्पेस मिल जाती है, और इसका लॉक भी आपको दिखाते जाएं। अगर इसको आपने लॉक करना है तो इसी स्टेयरिंग में लेफ़्ट साइड पे आप मूव करेंगे और चाबी को लेफ़्ट साइड पे रोटेट करेंगे तो इसका जो है आपका स्कूटी लॉक हो जाएगी, और इसी चाबी की मदद से जो है आप दोबारा से इसे ओपन भी कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो रियर का सीट का लॉक है वो भी इस चाबी से ओपन होता है, ये राइट इसका जो है लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है, और ये भी आप राइट साइड पे इसको मूव करेंगे की तो इसका सीट का लॉक खुल जाएगा, और यहाँ से आप रीफिल करवा सकते हैं। यहाँ पे इसका जो है स्टोरेज बॉक्स काफ़ी ज़बरदस्त बनाया हुआ है, इसके अंदर स्पेस है, मतलब हाफ फेस हेलमेट रखना चाहें तो ईजिली इसके अंदर रख सकते हैं, बाकी और कोई भी आप सामान लगेज रखना चाहें तो वो भी इसके अंदर आप कैरी कर सकते हैं। ये इसकी फ्यूल कैप है जहाँ पे आप इसका जो है फ्यूल मैक्सिमम रिफिल कर सकते हैं, 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक स्टोरेज होती है, और बैक के ऊपर काफ़ी सॉलिड मटेरियल में इसका बैक कैरियर है, इसके ऊपर भी अगर आप एक्स्ट्रा कोई लगेज रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। और दूसरा मोस्टली लोग इसके ऊपर जो है वो स्टोरेज बॉक्सेज लगाते हैं तो वो भी ऑप्शनल मौजूद है, अगर आप लगाना चाहें तो न्यू पार्क ट्रेडिंग आउटलेट से आपको वो एक्स्ट्रा जो है बॉक्सेज मिल जाएंगे डिफरेंट साइजेज में, इसके ऊपर ईजिली यूनिवर्सल बॉक्सेज लग जाते हैं। अभी बढ़ते हैं इसके इंजन की जानिब, तो ये इसका फुली ऑटोमेटिक 125 cc हमें इंजन मिल जाता है, CVT गियर बेसिकली ये कहलाता है, फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसके ऊपर किसी किस्म की जो आपको खुद से गियर शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती, ये ऑटोमेटिकली खुद ही इसकी गियर शिफ्टिंग होती है, और 125 cc इसकी इंजन पावर है, और काफ़ी ज़बरदस्त ये नया Euro 2 बेस इंजन इसका बनाया गया है। इसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी हमने टेस्टिंग की है, काफ़ी ज़बरदस्त है, और बाकी इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे इसके लिए इसकी भी टेस्ट राइड आपको हमारे चैनल पे ज़रूर मिल जाए। बाकी इसकी जो पार्ट्स के वाले से बात करें तो पार्ट्स की अल्हम्दुलिल्लाह 100% अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है, इसके साथ जो है हमारे पास वर्कशॉप की फैसिलिटी मौजूद है, आपको किसी किस्म की इसकी सर्विस के वाले से इशू हो या पार्ट्स के वाले से तो वो भी ज़रूर आपसे हमें दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सिटिंग पोस्चर जो है इसका काफ़ी ज़बरदस्त कंफर्टेबल है, मैं आपको इसके ऊपर बैठ के भी चेक करवा देता हूँ कि इसके ऊपर सिटिंग पोस्चर कैसा लगता है, और फिर इसके बाद जो है इसकी बैक लाइट्स हैं वो भी आपको चेक कराएंगे, और रियर व्हील है वो भी आपको चेक करवाएंगे किस स्टाइल में बना हुआ है, और ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको चेक करवाएंगे। तो जी व्यूअर्स, ये इसमें इसका जो है सिटिंग पोस्चर है, काफ़ी ज़बरदस्त कम्फर्टेबल ये स्कूटी है, और दूसरा ये है कि स्कूटीज़ का जो कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा वो ग्रो करता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड हमारे पास आ रही थी, और इस वाले से हमने काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वाइड रेंज लेके हैं स्कूटीज़ में, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक में भी हैं, उसके अलावा इंजन कैटेगरीज़ में भी हमारे पास स्कूटीज़ हैं, डिफरेंट मॉडल स्टाइल में आए हैं, और सारे जितने भी हैं लेटेस्ट 2022 के मॉडल्स हैं। तो जिन लोग नए नए आने वाले व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और इसमें आपको प्रीवियस वीडियोज़ भी मिल जाएंगी जो नए लेटेस्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की भी डाली हैं स्कूटीज़ की, उसके साथ इसमें जो प्रीवियस मॉडल हमारे पास नया लेटेस्ट आया था वो भी इसमें वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी ये है कि इसको हैंडलिंग करना काफ़ी इजी है, हर एज के लोगों के लिए सूटेबल है, हर मेल्स हो चाहे फीमेल्स वो इजीली इसको ड्राइव कर सकते हैं, किसी किस्म का इसमें गियर सिस्टम नहीं है, किसी किस्म का क्लच सिस्टम नहीं है, टोटल कंट्रोल आपके हाथ में होता है, राइट साइड पर जो है फ्रंट इसकी ब्रेक मिल जाती है और लेफ्ट साइड पर हमें इसकी रियर ब्रेक मिल जाती है। फ्रंट जैसा आपको मैंने बताया इसकी फ्रंट जो है ब्रेकिंग सिस्टम डिस्क ब्रेक होता है, और रियर के ऊपर हमें ड्रम ब्रेक मिल जाती है।
स्टार्ट एंड गो है, जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे उसके बाद इजीली आप इसको हैंडलिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिस जो अगर नया बिगनर्स है तो मोस्टली जो है हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमसे बाय किया है वो विद इन वीक इसको इजीली प्रैक्टिस करके भी राइड कर सकते हैं। इसमें जैसे आपने हैंडलिंग करना होता है बाकी किसी किस्म की आपको हेजिटेशन नहीं होती स्पेशली गियर के हवाले से, तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री है, बहुत ईजी ड्राइव है। बाकी ये जैसा कि स्कूटी मॉडल जो है ये हमारा पहले भी मॉडल आया था लेकिन अभी ये लेटेस्ट आया और लेटेस्ट फीचर्स के साथ भी है 2022 का, और ये काफ़ी जो है थोड़ा बड़े साइज में भी है और इसमें जो स्पेशली सीट है राइडर्स की सीट भी और पीछे पिलियन की सीट भी आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, मतलब दो बंदे इजीली इसके ऊपर बैठ सकते हैं और काफ़ी अच्छा ये जो है पावरफुल इंजन है उसका, और मैक्सिमम जो ये वेट है बियर कर सकता है तकरीबन 170 kg तक इसके ऊपर आप लोड डाल सकते हैं, और फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। स्पेशली विद इन सिटी जो ट्रैवलिंग करते हैं या दूर जाते हैं स्पेशली कॉलेज के वाले से यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, या जॉब होल्डर जो होते हैं तो काफ़ी इकोनॉमिकल है, जैसा कि यूरो 2 बेस करती है नई टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो एक लीटर में आपको तकरीबन 50 to 55 kilometers देने की ये स्कूटी सलाहियत रखती है। अभी जो है इसकी आपको चेक करवा देता हूँ रियर के ऊपर इसका व्हील भी, और रियर के ऊपर जो इसका स्पेशली लाइट्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त स्टाइलिश बनी है, तो उसके लिए आपको कैमरा क्लोजअप करके चेक करवाते हैं। काफ़ी लोग ये कमेंट्स करते हैं कि हमें आप क्लोजअपली चेक नहीं कराते, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट हो आपको वो क्लोजअपली चेक कराएँ और उसके जितने भी फीचर्स हैं आपको ईज़िली वो नज़र आ जाएँ। अभी सबसे पहले आपको ये रियर व्हील चेक करवा देते हैं। जैसे कि आपको मैंने डिस्कस किया था दोनों जो इसके टायर साइज़ हैं रिम साइज़ भी सेम ही है, 10 इंच के अलॉयज़ हैं फ्रंट एंड बैक के ऊपर, और टायर साइज़ 3/50/10 फ्रंट के ऊपर भी वही है और रियर के ऊपर भी यही टायर मौजूद है, ट्यूबलेस टायर है। और दूसरा अभी जैसा आपको मैंने बताया कि इसके स्पेशली जो बैक है काफ़ी ज़बरदस्त बनी हुई है कार स्टाइल, इसकी जो है बैक लाइट है और इंडिकेटर भी काफ़ी ज़बरदस्त वाइट स्टाइल में बनाए हुए हैं जो कि दूर से इंडिकेट करते हुए नज़र आते हैं। बाकी जब इसकी आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो रियर ब्रेक जो आपको रियर इसकी ब्रेक लैंप है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त ग्लो करता हुआ नज़र आता है। तो ये इसकी बैक शेप है और नए लेटेस्ट 2022 में कलर स्कीम आपको बता दी, दोनों जो हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं रेड कलर और पर्ल वाइट कलर में मौजूद है। एक सिंपल वाइट होता है, ये हमारे पास जो मौजूद है ये पर्ल वाइट कलर है, काफ़ी शाइनिंग कलर में जैसे कि मोस्टली कार्स के अंदर भी आता है, शायद आपको इस टाइम वीडियो में भी शायद नज़र आ रहा हो। बाकी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं वो ज़रूर हमारा आउटलेट विज़िट कर सकते हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आई हुई है स्कूटीज़ की, तो ज़रूर विज़िट करें। प्राइस जो है आपको वीडियो कैंड में बता दी जाएगी, इसके साथ ऑफ़र भी बता दी जाएगी। तो जी व्यूअर्स ये था आज का रिव्यू जिसके अंदर आपको फुली ऑटोमेटिक 125cc डिज़ायर मॉडल है। अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए जाते हैं, तो आप इसकी जो भी डिटेल है वो ले सकते हैं, इनकेस कोई चीज़ आपको समझ आए दोबारा से भी आप पूछ सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं आपको इंशाल्लाह, हमारी कोशिश होती है विद इन डे जो आपको रिप्लाई दिया जाए। बाकी ये है कि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि विद इन डे आपको जितने भी मैसेजेस आए होते हैं रैंडमली हम सबको रिप्लाई करते हैं, इन केस कोई अगर मैसेज रह जाए या किसी को विद इन डे रिप्लाई ना मिले तो वेरी नेक्स्ट भी कॉल भी कर सकता है या व्हाट्सएप भी कर सकता है, और हो सकता है कोई मिसिंग भी रह गया हो, तो अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा फीडबैक दें और रिस्पॉन्स जो रेट है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए जाते हैं जिसके अंदर मोबाइल नंबर भी मौजूद हैं, उसके साथ हमारे लैंडलाइन नंबर PTCL नंबर भी मौजूद है, उसके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस अगर आपको मोबाइल पर अप्रोच नहीं मिल पा रही हो तो। और जैसा कि आपको बोला था वीडियो कैंड में इसकी प्राइस डिस्कस करेंगे, तो ये खूबसूरत जो स्कूटर है इसकी प्राइस 185 है, 1,85,000 रुपये की प्राइस है, 125cc इसकी इंजन पावर है, और इसके साथ ही जो है प्रमोशन जो है चल रही है इसके साथ, अगर आप ये स्कूटी बाय करते हैं इस वीडियो को कोड करते हैं तो इसके साथ आपको ज़बरदस्त हाफ फेस हेलमेट एज अ कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट न्यू पार्क ट्रेडिंग की जानिब से मिल जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का रिव्यू, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगे, अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके साथ ये कमेंट्स करके अपनी राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ ही हमारा फेसबुक पेज न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी ऑफिशियल और MB ट्रेडिंग कंपनी को भी जरूर लाइक करें ताकि प्रोडक्ट की जितने भी लेटेस्ट पोस्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलती रहे। इसके साथ ही हमारे जो अदर सोशल मीडिया लिंक्स हैं इंक्लूडिंग इंस्टा टिकटॉक और अदर सोशल मीडिया लिंक्स जो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं उनको भी लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।